ये हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है, भेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अपना लेबोरेटरी है दिल्ली में। बड़ी मुझे खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि हमारी प्लांट्स की क्वालिटी, हमारी सर्विसेज की वजह से हम आज की डेट में इंडिया से बाहर 5 देशों में काम करने जा रहे हैं। अफ्रीका में 2 जगह काम करने जा रहे हैं, एक तंजानिया में काम करने जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्डर, तीसरा मलेशिया में काम करने जा रहे हैं, नेपाल में काम करने जा रहे हैं एंड श्रीलंका में। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े, 10-10 साल का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो सिर्फ इसके पीछे यही है कि जो हम कमिटमेंट आपसे करते हैं वो चीज़ हम ग्राउंड पर दिखाते हैं। हमारा कहीं भी प्रोजेक्ट लगा है, हम हर जगह का वीडियो जाके खेत में बनाकर डालते हैं, किसान के साथ मिल करके बनाते हैं, देखते हैं सारा चीज़ें, इसको भी आप देखिएगा। लेकिन मैं अफवाहों में नहीं जाता, मैं अफवाह होने से रोकता हूँ। जैसे मैं लाल सागवान की बात किया था, तो ये सब चीज़ बेकार की बातें हैं। आप अपना प्रोजेक्ट लगाइए, अगर जल्दी कंप्लीशन चाहते हैं तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स आपको, लेबोरेटरी बेस्ड प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। और लगाने से सिर्फ चीज़ें नहीं होती है कि आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का प्लांट लगा दिए, इसके जो प्रॉपर हम सिस्टम बताते हैं उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लैंड प्रिपरेशन कैसे करना है, प्लांटेशन कैसे करना है, इरिगेशन सिस्टम जैसे हमने बताया ड्रिप इरिगेशन, और उसके बाद मेन काम शुरू होता है कि इसको मेंटेनेंस कैसे करना है। मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कितने कितने दिन पर पानी देना है, कितने लीटर इसको पानी को रिक्वायर्ड है। आपका पौधा आपसे बात करता है लेकिन आप सुन नहीं पाते, ये कहता है कि हमें 4-5 लीटर पानी चाहिए, आप इसको पूरा खेत भर देते हैं। अब ये क्या करेगा, एक बच्चे को प्यास लगी है उसके पूरे कुएं में डाल दीजिएगा तो पानी पिएगा कि डूब जाएगा, मर जाएगा। तो आप पौधों को समझिए स्थिति, ये इंसानों की तरह है, अगर ये बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये चीज़ें हैं, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको रिक्वायर्ड क्या है, चाहिए क्या। आपको नहीं पता वो हम बताते हैं, कब क्या देना है, फर्टिलाइज़र क्या देना है, इसको फीडिंग कैसे करानी है, वो चीज़ करिए। मेजर मेहनत आपका 3 इयर्स का है, 3 इयर्स अगर मेन मेहनत कर लेते हैं यकीन मानिए ये आपके आगे आपको आपका लगभग 75% काम आसान कर देता है ग्रोथ होने में। 3 साल के बाद इसका मेन गर्थ शुरू होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक इरीगेशन प्रॉपर चेक करते रहना है और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यकीन मानिए मैं सबसे कहता हूँ, आज मैं कह के जा रहा हूँ कि सबका दिन आता है, आपका ज़माना आएगा। हाँ दोस्तों, आज अब इसी फार्म पर मैं एक व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ कि जो ये छोटा सा पौधे से लगा करके केयर टेकिंग करके, यानी जैसे एक फादर एक पिता अपने बच्चों को पालता है उस तरह से इस पौधे को पाले हैं, और कैसे कैसे लोग इनको कमेंट किए थे और आज कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा बताएंगे। आइए इधर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार मोहम्मद अली। गुलजार मोहम्मद अली, गुलजार मोहम्मद अली जी, जब ये पौधा आया था तो कितना बड़ा पौधा आया था? ये छोटा सा पौधा आया था। तो लोग क्या कहते थे यहाँ पर? लोग कहते थे सर भाई बूटा नहीं काम आवो होएगा। हाँ। हमारे रिश्तेदार ने 4 किले लाए हुए हैं, कहना एक दरख्त भी नहीं होया, पौधा नहीं होया है, सब सूख गया। हाँ सब सूख गया। मैं जाता कर पर आईदा पुत्र बैठा है, थोड़ी लता थे निकल जूंगा, मैं पौधे में पाल कर दिखाऊंगा, रोटी पानी छाड़ दूंगा। पर मैं ऐसे ही काम किया, पहले को बंदे हूँ मेरे को आने हुई बंदे, कहना पौधे पर आईदा पुत्र पाल गया, मैं थोड़े मोर लाती, कहने हाँ जी साढ़े मोर लग गई, तो जो जबान कही है तो पक्की जबान कही है मेरे साथ। अब आज के डेट में वो व्यक्ति जो लोग कहते थे ये देख करके 3 महीना का कंप्लीट हुआ है, 10-15 दिन ज्यादा हुआ, क्या कहते हैं कि भाई अब कुछ सरप्राइज होते हैं, मतलब परेशान होते हैं कि भाई ये कैसे हो गया? ऐसे ही बोलते हैं, कहते भाई बहुत खुशी की बात है, जो मार कर तेरे पर बहुत खुश होएगा, कहते पौधे बहुत बड़े कर दिए, 3 महीने के पौधे हुए हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि हम लोग जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, हम भी एक किसान हैं। हाँ सर, मैं भी बहुत बड़ा फार्मिंग इसका किया हूँ और मैं प्रैक्टिकली लोगों से बात करता हूँ। इन जैसे व्यक्ति ही इस पौधे को चलाते हैं। हाँ किसान तो क्या होता है कि पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, वो अपने बिजनेस धंधे में लगे हैं, ठीक है सर, लेकिन असली इसका मालिक यही टाइप के लोग हैं। हाँ और इनके लिए हम चाहेंगे कि क्लैपिंग हो जाए, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। चलिए सर,